नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई बुर्ज खलीफा के बारे में। जी हाँ साथियों, ये तो एक बुर्ज खलीफा का तो एक नाम है, बाकी हम पूरी वे का भी इसमें वर्णन करेंगे। मैटर क्या है कि आपको पता है इसराइल के बीच में और वे के बीच में समझौता हो चुका है। पहले उनके बीच में समझौता भी नहीं था, मान्यता भी नहीं दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि फिलिस्तान का इनका मैटर चल रहा था, आपको सबको पता ही होगा। तो इस वजह से गल्फ कंट्रीज के लगभग इसराइल के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी ट्रंप के माध्यम से इनके बीच में उसको समझौते हुए व्यापारिक वाणिज्यिक या फिर जो भी प्लेन वगैरह पूरा समझौता हो चुका था व्हाइट हाउस में। जी हाँ, उसके बाद में आपको पता है फ्लाइटें इसराइल से भी आने लगी थी, इसराइली लोग वहां पे आने लगे थे, लेकिन माजरा कुछ उल्टा होके निकल रहा है। इसराइल के अखबार के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, दुबई के अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मुताबिक ये न्यूज निकल के आई कि इसराइल के जो पर्यटक हैं दुबई जाते हैं चोरी करने के लिए। जी हाँ, बुर्ज खलीफा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां से भी उन्होंने चोरी कर ली। कितनी बड़ी बात है यार। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीए से रिलेटेड नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात वीए में जो यात्रा करने वाले अमीर इजरायली पर्यटक है उनके चोरी के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे वो हालांकि इजरायल एक अच्छी कंट्री है, उनका सिस्टम ठीक है, आर्थिक तौर से भी मजबूत कंट्री है, आपको सबको पता है, वैसे ने ताकत वगैरह सब कुछ उनका अच्छा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो वही बात है, मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो में, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, आपको पता ही होगा। इंडियन आदमी वहां पे कुछ गलत करता है तो नाम आता है इंडिया का बंदा, और इंडिया का बंदा का मतलब आपका आदमी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे ये साबित होने जा रहा है, इसराइल के कुछ पर्यटक जैसे बहुत सारी दुनिया इसराइल के लोग वीए में घूमने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होटलों में रुकते हैं, आपको पता ही है, अच्छे होटलों में मिले रुकोगे तो पूरी सुविधा मिलती है उसमें, और सामान चोरी जाते जब रूम खाली करते हैं होटल छोड़ते हैं तो उसमें रूम चोरी करने की अभी केस इतने बढ़ चुके हैं, पुलिस में जो कंप्लेन मिली है होटलों की तरफ से उनमें उनका पता लगता है। जब एक इसराइली कारोबारी थे, उन्होंने बताया कि मैं काफी टाइम से वीए में आ रहा हूँ, मेरा वीए में बिजनेस है, मैं कारोबार करता हूँ, एक होटल में मैं रुका तो मैं जैसे होटल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि इसराइली लोगों की जो पर्यटक है उनकी चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करने का मतलब ये था कि कहीं सामान हमारा चोरी नहीं हो रहा है, इनकी जेब में नहीं हुआ। एक होटल में माजरा सामने आया कि जैसे इसराइली परिवार अपने दो बच्चों सहित होटल छोड़ के जा रहा था तो आपको पता है होटल के जो वर्कर होते हैं पीछे से होटल कमरे को साफ वगैरह करने के लिए जाते हैं या चेक करते हैं हमारा सामान पूरा नहीं है, तो उन्होंने बोला सामान पूरा नहीं है तो उन्होंने वो चिल्लाने लगे, जब उनकी बैग खोल के देखा तो उनमें सामान निकला। क्या निकला आपको पता है? आइस कंटेनर निकला, छोटे छोटे जो सुविधाओं के लिए आपके मिलते हैं टी कॉफी वाला मशीन वगैरह, या फिर कंघे तौलिए या फिर एयर मशीन वगैरह, ऐसे कुछ सामान होते हैं वो बैग में भर के वो लेके जा रहे थे। जब उन्होंने बोला कि हम पुलिस को बताएंगे तो उन्होंने माफी मांगते हुए सामान को लौटा दिया। इजरायली पर्यटक दुबई में आने के बाद में होटलों में चोरी की वारदात बढ़ चुकी है। जी हाँ, कहीं पर भी वो आते हैं जैसे रूम खाली करके जाते हैं पीछे से चेक करते हैं तो पता लगता है कि होटलों कमरे में आपको पता है जो सुविधा के लिए सामान दिया होता है वो सामान नहीं मिलता, तौलिए होते हैं बाथरूम में टंगा होता है, बाहर टंगा होता है, और भी कंघे वगैरह शीशे वगैरह और भी लैंप, यहां तक कि लैंप लाइट भी उड़ा के ले गए। बुर्ज खलीफा में भी उन्होंने चोरी कर ली, कितनी बड़ी बात है। तो भाई बस यही जानकारी आप लोगों को शेयर करनी थी कि इंडियन आदमी अपने देश का आदमी वहां जाकर कुछ गलत करता है तो बिल्कुल ये देश के लिए शर्म से डूबने की बात वाली बात हो जाती है। इसराइल का नाम आ गया, मैं उम्मीद करूंगा कि कभी इंडियन का नाम ना आए। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।